हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू, एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आईआईटी जेम 2019 के इस क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल इंटीग्रल का है। ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डबल ट्रिपल इंटीग्रल जो हमारा पार्ट है आईआईटी जेम का उससे ये हमेशा पूछा जाता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस पर कैसे करते हैं, इस पर मेरे लेक्चर भी अवेलेबल है बट मैं जल्द ही उस वीडियो लेक्चर को अपडेट करने वाला हूँ। लेवल ऑफ आईआईटी जेम के लेवल से उसको मैं अपडेट करूँगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल को हम कैसे इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट, मेरे चैनल एएम मैथ्स ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स भी अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अनदर थिंग्स, आईआईटी जेम के प्रिपरेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का ऑलरेडी मैंने लिंक अपना कम्युनिटी टैब पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है उस नंबर पे कनेक्ट भी हो सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आइए इसके हम बात कर लें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें इस पॉइंट पे कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस इज एंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो मतलब एक क्वेश्चन उसका है बट हियर द हाउ टू इवेल्युएट दिस। एक क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट ये टास्क रहेगा। जैसे देखिए, अब ये दे दिया है x, मतलब y है तो x के रिस्पेक्ट में करना पॉसिबिलिटीज हमें चेक करनी है, क्या यह संभावना बनती है कि हम x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर पाएं। तो ये संभव नहीं दिखता हमें क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो हम सबसे पहला वर्क होगा कि हमें इस जो लिमिट दी हुई है उस लिमिट के हेल्प से हम एक फिगर को जनरेट करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, जो भी जैसा जनरेशन हो सकता है। तो पहले जो लिमिट है उसके बारे में बात कर लें। लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स, ठीक है। अदरवाइज इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। और यह इट मीन्स ये क्या है, एक पैराबोला है, पैराबोला, ठीक है। यह एक पैराबोला है जिसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब इस पैराबोला को हम कैसे हैंडल करें ये देखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही रहेगा कि हम इस पैराबोला को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, y इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन, ये दिया हुआ है। तो पहले हम इससे एक फिगर का को जनरेट करें, फिर आफ्टर देन डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो चाहे तो यहां भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो पहले पैराबोला, अब चूंकि माइनस वाला सिंबल है तो इस तरह कहीं इसका सेंटर होगा जिसका 1 0, जो हम कहते हैं वर्टेक्स जो होगा वहां पे इधर कहीं होगा 1 0 पर, और इधर इधर इस तरह से ये एक पैराबोला हमारा जनरेट होगा, ठीक। ये पैराबोला जैसे हमारा जनरेट हुआ तो अब देखिए आगे की सेंटेंस में बात करते हैं। y इक्वल टू एंड x इक्वल टू जीरो, ये है हमारा y इक्वल टू जीरो, दैट इज द x इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ दिस। जो ओरिजिनल लिमिट दी हुई है वह अकॉर्डिंग टू y एक्सिस दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे होगा 0 एंड 1 इज इंपॉर्टेंट। तो पहले ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, कैसे समझिए, यहां पे इस इक्वेशन का जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स है। तो एक्स इक्वल टू, ये देखिए एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे एक्स की वैल्यू और यहां पे एक्स की वैल्यू, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या हमारी है, वन माइनस वाई स्क्वायर, और वाई की लिमिट क्या है, जीरो टू वन। ये अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है, जैसे ही अकॉर्डिंग टू y एक्सिस दिया है, मतलब ये जो लिमिट है ना अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है। अब हमें सिर्फ फाइंड करना है, फाइंड लिमिट, लिमिट
अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, ये वाला टारगेट है। अगर वाई एक्सिस के थ्रू दिया है तो उसको एक्स एक्सिस में करेंगे, और एक्स एक्सिस के थ्रू दिया है तो वाई एक्सिस के थ्रू कर देंगे। तो अब हमें इसको क्या करना है, इस तरह से निकालना है ऐसे। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे वाई तो हमारा हो जाएगा जीरो, बट यहां पे वाई क्या हो जाएगा, वाई देखिए वन माइनस एक्स अंडर रूट, दिस इज वाई, और एक्स क्या हो जाएगा जीरो टू वन, मतलब जो एक्स वेरीज होगा जीरो टू वन, वाई जो हो जाएगा जीरो टू वन माइनस एक्स अंडर रूट, ये हो जाएगी लिमिट। अब हम इस पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इंटीग्रेशन पे वर्कआउट कर लेंगे वाई। तो यहां पे आएगा एक्स इक्वल टू जीरो टू वन, हियर वाई इक्वल टू जीरो टू वन माइनस एक्स अंडर रूट, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो यहां डी वाई ले लेंगे, बाकी के टर्म्स को हम बाहर कर देंगे, साइन पाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ये बाहर निकल गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और हमारा रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा आपको। देखिए आई एक्स इक्वल टू जीरो टू वन, ध्यान रखिए ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, जीरो टू वन माइनस एक्स अंडर रूट साइन पाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर बाई टू तो वन माइनस एक्स, और वन बाई टू तो वन बाई टू हियर चलाया, जीरो टू वन वन माइनस एक्स साइन पाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब इज इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन, सो लेट पाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इम्प्लाई दैट पाई टू पाई वन माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, टू पाई वन माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, या ये हो गया, इसका कर देंगे तो माइनस डी एक्स मिल जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या अदरवाइज वन माइनस एक्स डी एक्स बराबर वन अप माइनस वन अपॉन टू पाई डी टी, ये मिल जाएगा। और चेंज द लिमिट अकॉर्डिंग टू चेंज लिमिट, यहाँ पे हम x ले लेंगे, यहाँ पे t लेंगे, 0 और 1, तो जैसे 0 लेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, मतलब पाई, ठीक है 1 का स्क्वायर, और 1 लेंगे तो 0, तो लिमिट क्या मिल गई हमारी पाई टू 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम पुटअप कर दिए हैं तो पाई टू 0, तो i 1 बाय टू पाई टू 0, ठीक, वन माइनस एक्स डी एक्स ये वाला पोर्शन, ये और ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका कितना साइन टी माइनस डी टी बाई अपॉन टू पाई। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, वन अपॉन टू पाई, और ये लिमिट जो माइनस है सिंबल के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो जीरो टू पाई साइन टी डी टी, वन अपॉन टू पाई माइनस कॉस ऑफ टी जीरो टू पाई, ठीक है, तो मैं आगे बात, सो दैट इज आंसर। अब कॉस पाई और फिर कॉस जीरो माइनस वन माइनस वन, और व्हाट इज द मिसिंग, ये वन बाई टू और वन बाई टू, सो ये वन बाई टू है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा मिलके हमारा कितना फोर पाई, ये ध्यान रखिएगा वन बाई टू इज टोटल, यहाँ पे भी हो जाएगा कि फोर पाई। अब देखिए तो वन अपॉन फोर पाई इन टू, ये हो जाएगा टू, सो दिस इज वन अपॉन टू पाई, ये रिजल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क था, दिस इज हियर करना। तो ये है फंडामेंटल कंसेप्ट, इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम कैसे इसको कर पाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा फ्रेंड्स। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।